आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने चिकित्सालयों में बेड, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की स्थिति, प्रवासी कामगारों के लिए की गई व्यवस्था, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन, कोरोना कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन, मास्क की अनिवार्यता की स्थिति सहित कोविड प्रबंधन की समीक्षा। कहा, होम आइसोलेशन के मरीजों को निगरानी समिति के द्वारा पहुँचाया जाए, मेडिकल किट लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गुरुवार को दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोगों को मिलने वाले भरण पोषण भत्ता की समीक्षा। कहा, पात्र लोगों की सूची बनाकर सॉफ्टवेयर पर करें अपलोड, जिससे दिया जा सके 1000 प्रति माह भरण पोषण की धनराशि। शासन के निर्देशानुसार अब शादी समारोह में रहेगी सिर्फ 25 लोगों की अनुमति। एडीएम सिटी ने कहा, करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। रामगढ़ताल पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर चोर, 23 बंडल चोरी का तार, 1 देशी तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा बरामद। एएसपी व सीओ कैंट ने किया खुलासा, भेजा जेल। जनपद में ब्लैक फंगस पर काबू पाने के लिए शासन ने भेजा 25 वायल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। सीएमओ ने कहा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पीड़ित मरीजों को दिया जा रहा है इंजेक्शन। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 195 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 56,101। अब तक 596 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 5,288 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कोविड महामारी और कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों से सभी कार्ड धारकों को गुरुवार से मिलना शुरू हुआ प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन। ग्राहकों ने योगी सरकार का जताया आभार। एडीएम विद ने कहा, कार्ड धारक उठाए योजना का लाभ। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस कोरोना वायरस से पीड़ित सभी मरीजों पर नहीं करता है असर। सीएमओ ने कहा, लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने वाले या कमजोर इम्यून सिस्टम के मरीज होते हैं प्रभावित। वार्ड नंबर 21 में जल भराव व सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय पार्षद ने बरसात के पानी के जल भराव के बीच बैठकर दिया धरना। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट व नगर निगम के मुख्य अभियंता के आश्वासन पर खत्म किया धरना। मांगे नहीं पूरी होने पर दोबारा आंदोलन करने की दी चेतावनी। तहसील सदर द्वारा मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिए रैन बसेरा कराया गया मुहैया। सदर तहसीलदार ने कहा, कम्युनिटी किचन के माध्यम से परिजनों को भोजन का भी किया जा रहा है वितरण। धोखाधड़ी व ठगी करने वाले अंतरजनपदीय 3 शातिर अभियुक्तों को कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। 270 बोरी गेहूं, 1,10,000 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त 1 ट्रक किया बरामद। झमाझम बारिश में महानगर के कई हिस्सों में हुआ जल जमाव, जल निकासी के लिए जुटी रही नगर निगम की टीम। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर किया गया 13,331 लोगों का वैक्सीनेशन। 45 साल से ऊपर के 7,735 तथा 18 साल से ऊपर के 5,596 लोगों ने कराया टीकाकरण। सीएमओ ने कहा, रजिस्ट्रेशन कराकर अवश्य कराए वैक्सीनेशन। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का जिले में भी देखने को मिला असर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, नहीं प्राप्त हुई किसी जनहानि की सूचना। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। एसपी सिटी ने कहा, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निर्धारित समय से ही खोले, नहीं तो होगी कार्यवाही।